गुड मॉर्निंग, क्या हाल है बेटा? पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का? हाँ बोलो, कौत की क्या बोल रही है? वीडियो ऑन नहीं करना है, सिर्फ ऑडियो रखना है। हाँ, केमिकल रिएक्शन पर ही जल्दी बोलो। ये आज देखो, समय नहीं गंवाएंगे, बहुत बच्चा का डिमांड था कि सर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि माने एक सेशन में इलेक्ट्रिसिटी आपको ख़त्म करें, तो थोड़ा सा थ्योरी पे ज़्यादा हमें स्ट्रेस किया, प्रेशर दिए हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को कम टच किए हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस भी दिए हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी समझ जाते हो और उसमें जो फार्मूला है, हम फार्मूला को कोरिलेट किए हैं, तो अगर वो फार्मूला कैसे कोरिलेट करके कैसे निकलता है, तो आपका न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको जानना है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करेंट जो बोलते हो, बहुत लड़का क्या बोलता है, करेंट, करेंट अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक करेंट अलग चीज़ है। वैसे करेंट देखोगे तो वाटर करेंट भी होता है, ओशियन करेंट भी होता है, विंड करेंट भी होता है, सब में करेंट है। करेंट का मतलब क्या होता है, स्पीड, गति, जिसे फ्लड, बाढ़ जो बोलते हो। तो फ्लड का मतलब ये नहीं होता है कि मान ली बहुत सा वाटर आया लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वो फ्लड नहीं हुआ, कम ही पानी है लेकिन उसमें मूवमेंट, स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो क्या करता है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, तो वो भी क्या कहते हो, वो वाटर करेंट। तो वाटर करेंट जो होता है, माने करेंट सब जो होता है, चाहे विंड करेंट है, चाहे ओशियन, सुनामी सुने होंगे, तो वो करेंट जो मेज़र किया जाता है, अमाउंट तो है ही है, दूसरा उसका क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो खैर एनी वे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या डील करेंगे, सो देख लो। सबसे पहले जानोगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उस चार्ज से इलेक्ट्रिक करेंट का क्या रिलेशन है। फिर जानोगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इस दोनों में, इलेक्ट्रिक करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, वो जानोगे ओम्स लॉ से। और इसी ओम्स लॉ से एक नया चीज निकलेगा जिसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करेंट कितना होगा। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फैक्टर। तो थोड़ा सा ये भी जानोगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी से आता है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चा को इसी में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक टेक्निक, ट्रिक यूज किया कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हो, उसका आंसर पहले पता लगा लोगे। उसके बाद जानोगे उसी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जानोगे, इससे भी न्यूमेरिकल खूब आता है। तो इसमें दो होता है, तुम्हारा सब आदमी जान रहे हो, ये सीरीज एंड पैरेलल, अलग अलग जानोगे। फिर इसका कंबाइंड जानोगे, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट। उसके बाद जानोगे इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्टर से फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो आपको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट चैप्टर में दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस थ्री इफेक्ट। पहला हीटिंग, हीट हो जाता है। दूसरा मैग्नेट, दैट कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। और तीसरा केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस। तीन इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट आपको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो एक एक करके शुरू करें, इजाजत है? हैं बोलो, कौत की कहाँ ध्यान है? हाँ बेटा, मल्टीपल चॉइस को तो सबसे ज़्यादा देना है, और मल्टीपल चॉइस तभी बनेगा आपका जब उस चैप्टर का कम से कम बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जनरली देखोगे मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, या तो डिफिनीशन से उठाता है, या तो यूनिट से उठाता है, या सिंपल न्यूमेरिकल, वो भी न्यूमेरिकल इस टाइप का होता है जो एकदम फार्मूला बेस्ड होता है, वहाँ से ही उठाता है। हाँ जी बोलो जी, है? आज मेहनत करोगे तब न कल रसगुल्ला खाओगे, और आज नहीं मेहनत करोगे तो कल आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
इसलिए आज मेहनत करो, जितना ज़्यादा शिक्षित होगे आने वाला कल उतना सुनहरा होगा, और अपने भी नहीं शिक्षित होगे अपने परिवार को करोगे, समाज को करोगे, इसलिए पढ़िए। और अभी आप लोग का 10 है, अभी ये हैबिट बनाओ पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, और जितना देर बैठोगे वही प्रैक्टिस आगे चलेगा। क्योंकि असली तो मेहनत जब आप जाओगे फील्ड में, जब 12 करोगे, वहीं से ना कैरियर डिसाइड होता है कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि आगे पढ़ना है। फिर ग्रेजुएशन करते हो तो कंपटीशन के दुनिया में आते हो, एडमिनिस्ट्रेटर जॉब जो भी, व्हाट एवर। तो ये अभी आपका बेस है, अभी आदत लगाओ बेटा, कोशिश करो कम से कम 7 घंटा 8 घंटा बैठने का, बैठ के पढ़ने का। और ये आजकल जो मोबाइल है, थोड़ा सा कम दोस्ती करो मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से। क्या होता है जब मोबाइल सामने में रखोगे, पढ़ने मन नहीं लगेगा, मोबाइल पकड़ लोगे। अब मोबाइल पकड़े तो पकड़ते पकड़ते गेमिंग शुरू कर दोगे, चैटिंग शुरू कर दोगे, कुछ कुछ शुरू कर दोगे, हो गया आपका समय बर्बाद हो गया। इसलिए जितना मोबाइल से दूर नहीं, हम ये नहीं करेंगे कंप्लीटली आप मोबाइल से दूर रहो। अब यहाँ पर देखो, पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज के युग में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो आप रह ही नहीं सकते हो, ना आपका मोबाइल चलेगा। हम जो यहाँ खड़े हैं किसके कृपा से, इलेक्ट्रिसिटी से। आज जो ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी के कृपा से। मोबाइल है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सब किसके कृपा से है, इलेक्ट्रिसिटी के कृपा। तो आज के युग में कहा जाता है खास करके, मैंने आप एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी गुजार के देखिए क्या क्या आपको प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना है, शुरू करें। हम तो गए परदेश, हम परदेसी हो गए। अब आ जाओ, पहले सबसे पहले थोड़ा सा जानो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, वो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जिससे फ्लो होता है, तो उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। देखो क्या करता है, एक क्लोज्ड लूप ऑफ कंडक्टर्स थ्रू व्हिच चार्जेस कैन फ्लो। और यहां पर देखो एक दिखाया हुआ है, ये बैटरी है, देख लो यही प्रेशर क्रिएट करता है, फोर्स, और जिसके चलते देख लो, और ये बल्ब आपका जल रहा है। ये जो देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आपको जानना है कि सबसे पहले तो जानो कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, माने जिसे आपके बुक का जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो शब्द जनरली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से आता है, सिटी मीन्स होता है मोशन। तो एक सिंपल वे में आप इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हो, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो दे लूजेस द एनर्जी। अब उसी जो लूज एनर्जी करता है, उस एनर्जी को आप एक ऐसा डिवाइस बना लेते हो, उस वो डिवाइस उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल फॉर्म में, जिसे मोटर है तुम्हारा, पंखा को चला रहा है, तो उस एनर्जी को क्या किया, वो कन्वर्ट कर दिया मोशन में। वही एनर्जी को हीट में कन्वर्ट, तो हीटर आपका चलता है। वही एनर्जी आपका डिवाइस ऐसा है साउंड में आ जाता है, पिक्चर में आ जाता है, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे सपोज करो हम अगर मोशन में हैं, तो हम जब दौड़ेंगे तो हमारे बॉडी से एनर्जी निकलेगा ना। अब वो जो एनर्जी लूज हो रहा है, तो सपोज करो देखोगे जनरली क्या होता है, हम ऐसे दौड़ रहे हैं आगे की ओर, तो वो एनर्जी जो है ना बैकवर्ड होगा। मेरा मोशन अगर फॉरवर्ड है तो एनर्जी जो मेरे बॉडी से रेडिएट होगा वो बैकवर्ड होगा। उसी एनर्जी को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है यूजफुल में। तब मेरे से आप एनर्जी ले लो, हो सकता कह देगा सतेंद्र करंट, समझ रहे हो। तब देख लो क्या होता क्या है आपका, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होता है। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, तो कंडक्टर जो आप बोलते हो, तो देखोगे कोई भी जो मटेरियल है, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो तो उसको
यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के आधार पे दो भाग में बांटा है, एक को कंडक्टर कहते हो कि इंसुलेटर कहा जाता है। जनरली देखोगे क्या होता है, मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल जो होता है जनरली वो क्या होगा, इंसुलेटर। ये देखो, हाँ भैया इसमें भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर भी होता है। कंडक्टर का मतलब क्या, टू कंडक्ट। तो कोई भी सब्सटेंस क्या कंडक्ट करेगा, आप समाधि पर हो, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, टीनी पार्टिकल्स, एटम का बना होता है, उसी एटम के अंदर थ्री सब पार्टिकल्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान से देखना बेटा, ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। अब देखो क्या होता क्या है, यही जो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन जो बोले जो चार्ज कहते हो, तो ये चार्ज बॉडी माने जिस पे माइनस चार्ज है, प्लस वाई या आयंस जिस पर रहता है तो उसको चार्ज कहा जाता है, और परे हो कि चार्ज बॉडी के बीच में या तो अट्रैक्शन और या तो रिपल्सन होता है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है। अब यहां पर देखो क्या होता है, जब कोई कंडक्टर ओपन होता है, सपोज करो ये कंडक्टर है, ओपन है, तो कोई चार्ज नहीं फ्लो होता, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, लेकिन इसी कंडक्टर को जब आप ये बैटरी से जोड़ देते हो तो अब यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है, और यहां पर अगर कोई बल्ब को लगा दो तो ये बल्ब क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब यहां पे क्या कहता है कि उसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। अब फ्लो किसके चलते होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई फोर्स होगा, कोई लेवल होगा। तो जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जिसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ये सोडियम है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281। अब देखो ये बाउंडेड है, ये फ्री नहीं है, फ्री ये है। क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर हलचल होता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जैसे ये मूव करता है क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू हो जाता है, करंट आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है सो देखो, अब इस इलेक्ट्रिक करंट को कंप्रेशन किया है वाटर फ्लो से, हम थोड़ा सा यहीं पे समझा देते हैं। सपोज करो दो टंकी है, देखो ध्यान से, और दोनों एक पाइप से जुटा हुआ है इस तरीके से, ध्यान से देखो दोनों जुटा हुआ है, ये क्या है, वाटर है, ईवी वाटर है। अब यहां पर देखो क्या हम बोल रहे हैं, दोनों में लेवल बराबर है और दोनों ढका हुआ है, और हमको इस वाटर को फ्लो कराना है, क्योंकि जब आप पढ़े वाटर तब फ्लो होगा जब एक टंकी में ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा, लेवल डिफरेंस होगा, या तो इस टंकी को ऊपर कर, एक को ऊपर कर दो एक को नीचे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाना शुरू करेगा, और यही जो लेवल जो क्रिएट करते इसी लेवल को पोटेंशियल कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में वो लेवल होगा तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे, और कितना फ्लो करेगा वो दोनों में डिफरेंसेस कितना है तो उसी को क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल सब जो बोलते हो, ये पोटेंशियल क्या करता है, किसी लेवल को इंडिकेट करता है। जैसे अब क्लास में अगर दो बच्चा है
और एक बच्चा कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा है और आप बढ़िया से समझ रहे हो, इसका मतलब उस चैप्टर का ज्ञान उस बच्चे में ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि उस चैप्टर के में आपसे अच्छा उसका ज्ञान, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, आपका पोटेंशियल कम है, इसलिए वो फ्लो होते आ रहा है। और एक समय आएगा अब आपका भी ज्ञान उतना ही हो जाएगा, तो कहोगे नहीं हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया, जीरो, नो फ्लो, सेम चीज़ यहाँ होता है। अब जरा हमको बताओ, इस टंकी को ना ऊपर करना है, नीचे करना है, ना इसमें से पानी निकालना है, हमको फ्लो कराना है, कैसे फ्लो होगा, जल्दी बोलो, कोई बोलो, हमको फ्लो कराना है बेटा, नहीं पानी निकालना नहीं है, ना उठाना है इसको, एक टंकी को ऊपर कर देना, दूसरे वो भी नहीं करना है, एकदम फिजिकल कंडीशन यही रहेगा आपको कुछ, लेकिन हमको फ्लो कराना है। अगर सपोज करो हम क्या करते हैं, यहां पे बेटा पंप लगा देते हैं, ध्यान से देखो, जैसे पंप स्टार्ट होगा तो मान लो ये पंप इधर से पानी को खींच रहा है, तो इधर से पानी जाएगा इधर, तो जैसे ये पंप पानी को खींचेगा तो क्या होगा, इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, तुम्हारा ये वाटर क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, देख लो। और जब तक पंप चलता रहेगा क्या हुआ, वाटर फ्लो होता रहेगा, जैसे पंप बंद करोगे क्या होगा, वाटर फ्लो बंद, तो क्या हुआ, जैसे पंप स्टार्ट हुआ तो यहां पर क्या किया, दो लेवल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उसी लेवल के चलते एक में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक में कम, इस इधर से पानी फेंकेगा तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम, तो जिसके चलते पानी क्या हो गया, फ्लो करना शुरू कर दिया, जैसे पंप बंद किए फिर लेवल बराबर हो गया। ये जो फ्लो ऑफ वाटर जो देख रहे हो, तो कितना ज्यादा फ्लो होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर दैट ड्रेन फ्रॉम वन टंकी टू द अदर, दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द पंप। तो जितना ज्यादा पंप का पावर होगा, वाटर ड्रेन उतना ज्यादा होगा, तो स्पीड भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, अमाउंट भी बढ़ेगा, तो फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वाटर जैसे मोशन में आ जाएगा तो यहां क्या होगा, परे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो दे रेडिएट द एनर्जी। अब ये जो एनर्जी यहां पर निकलती है, इसी एनर्जी को आप क्या करते हो, यूज करते हो, मेरी बात समझ। अब यहां पर इस वाटर को मान के ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, यही चीज होता है। तो देखो ये सर्किट कंप्लीट है आपका। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते हो, वो जो सेल है ये बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल एक यहां पर क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज कम हो जाता है। तो जैसे कंडक्टर से जोड़ोगे तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर है तो निगेटिव चार्ज भागेगा, जैसे भागेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसमें डिवाइस लगाया, वही एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में, जिसके चलते आपका बल्ब क्या हो, ग्लो करना शुरू, समझ गए। तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग दैट इज द एनालॉगी टू द वाटर करंट, जिस तरीके से वाटर फ्लो होता है। आया मेरी बात समझ में, आया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आगे बढ़े। अब देखो क्या होता है, चार्जेस जो होता है आर इलेक्ट्रॉन्स और या आयंस भी हो सकता है, जिसे कहते हो ना ये प्लस ये माइनस, इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसे आप बोलते हो क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस, तो ये सब क्या है, चार्ज्ड है आपका। अब आ जाओ डिफिनीशन पर कि अब इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या दोगे, तो जनरली लोग बोल देता है फ्लो ऑफ द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो ये थोड़ा सा डिफिनीशन सही नहीं हुआ। यहां पर क्या कहता है देख लो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यहां पर यूनिट टाइम जोर देता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द चार्जेस दैट फ्लो,
थ्रू ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब कोई कंडक्टर है सपोज करो, और ये चार्ज इसको यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लो, यानी अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक करंट को आप I बोलते हो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को मान लो Q लिखते हो बाय क्या हो जाएगा T, यानी ये I इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाय T। अब देख लो ये जो चार्ज जो होता है तुम्हारा, तो इसका जो SI यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, क्या लिखते हो C पर, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है तुम्हारा 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, तो ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहां पर ये नहीं आता है कि चार्ज, तो चार्ज में क्या होता है, व्हाट अमाउंट ऑफ द चार्जेस, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एक बच्चा बोल रहा है कि कर रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है, अरे यार वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना 9 क्लास में। तो क्या होगा नंबर ऑफ चार्ज, तो ये क्यू इज इक्वल टू हो जाता है एन ई। देख लो ये एन हो गया नंबर ऑफ चार्ज, ई जो हो गया दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देख लो ये E क्या हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये होता है 1.67 × 10⁻¹⁹, ये ऊपर जाएगा −19 कूलम्ब हो जाएगा। अब यहां पर देखो Q, तो अभी तुम पढ़े हो ये I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो आप ये भी तो कर सकते हो इज इक्वल टू एन ई बाई टी। देख लो फार्मूला देखो कैसे डिराइव कर रहे हैं, यहां पर Q का मान हम पुट कर दिए, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब इससे तुम्हारा कोई कंडक्टर में कोई पूछता है, अगर सपोज करो तुमको इलेक्ट्रिक करंट दिए हुआ है, टाइम दिए हुआ है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये देख लो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, सब आदमी जानी लो सी से। अब देखो यहां पर आता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो अब फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका नाम ना होके एम्पियर साहब को आ गया, तो यही एम्पियर इसको डिस्कवर किया था, इसलिए एम्पियर हो गया। तो अब कोई भी एसआई यूनिट को अगर आपको डिफाइन करना हो, कोई भी यूनिट अगर आप डिफाइन करते हो, तो उसमें जितने भी वेरिएबल होता है उसको एक यूनिट मान लो। जैसे देख लो ये, अब ये आई को आप मान लो एम्पियर, क्यू का ये सी हो गया, और टी को सेकेंड, जो एसआई यूनिट सेकेंड होता है। अब एम्पियर को डिफाइन करना, हमने क्या बोला कि सबको एक यूनिट मान लो, एक इकाई, तो देख लो एक एक एक। अब अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन एम्पियर, तो वन एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी व्हेन वन कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड वन एम्पियर। आया मेरी बात समझ में? क्या कहता है, व्हेन वन कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज वन एम्पियर। जैसे डिफाइन करो, वन एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सेट व्हेन वन कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड। आया? तो ये देख लो, इतना याद रखना है। देखो ये, अब यहां पर देखो एक चीज होता है, जैसे सपोज करो देखो मान लो ये कंडक्टर है, इसको आपने ये सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ दिया, तो छोटा वाला माइनस होगा, ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। देख लो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये ऐसे प्लस के तरफ आवेगा। तो आप कहता है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट
अपोजिट होगा। तो इससे अपोजिट का मतलब हुआ कि प्रोटॉन नहीं, वो जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के चलते जो एनर्जी लूज हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए नाम दीजिए उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो, उसके चलते उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट क्रिएट हो रहा है। करंट का मतलब क्या होता है, स्पीड, गति। ठीक है, तो यही चीज यहां पर दिया हुआ देख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एम्पियर जो बोल रहे हो, तो इसका मेजरमेंट जो है तुम्हारा छोटा यूनिट में होता है, तो थोड़ा सा याद रखना है। देखो, वन एम का मतलब होता है मिली एम्पियर, तो वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10^-3 एम्पियर। ये यहां पर देखो, ये नीचे है, क्या होगा ऐसे ऊपर 3 एम्पियर, और ये 1 म्यू है, ये इसको मैक्रो एम्पियर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 10^-6, ऊपर होगा ऐसे -6 एम्पियर। समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बना के देखो। देखो क्या करता है, एक कंडक्टर कैरी एक करंट ऑफ देख लो 0.2 एम्पियर, यानी तुम्हारा ये आई आ गया देखो 0.2 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, यानी आपका ये टी आ गया 30 सेकेंड। How many electron will flow in this interval if the charges on one electron, यहाँ दे दिया, कभी कभी नहीं देता है, आपको याद रखना है। और 1.67 है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल अगर दिया तो 1.67 तो सीख देना है, नहीं दिए हुआ है तो 1.6 ही लेना। ठीक है, तो आपसे चार्ज यानी क्या पूछ रहा है, n, सिंपल फॉर्मूला आई अभी पढ़े, आई इक्वल टू एन ई बटा टी। तो देख लो आई दिए हुआ है कितना है 2 एम्पियर, एन निकालना है ई कितना होगा 1.6 इंटू 10^-19 कूलम बाय 30 सेकेंड, निकाल लो ना एन, निकल जाएगा, कर लो ऐसे। यहाँ पर देखो हिंट हम दे दिए हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय ई हो जाएगा, कर लोगे। अब देख लो ये आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम समझाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है लेवल, जिसे कहते हो ना वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो कितना वाटर फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा लेवल में कितना डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जिसे सुनामी क्यों कहते हो, ओशियन में तो हमेशा वाटर फ्लो करता रहता है, तो उसको सुनामी में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो फ्लो ऑफ वाटर भी क्या होगा ज्यादा होगा, इसका स्पीड भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई कंडक्टर है ये ए बी, सपोज करो यहां पर चार्ज बॉडी है। अब इस चार्ज बॉडी को यहां से यहां लाने में क्या होगा, वर्क डन लगेगा, यही वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो देख लो क्या कहता है। और देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लेवल लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो देख लो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो पीडी बोलते हो, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको आप कैसे लिखते हो कैपिटल वी में। तो ये पीडी इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन अब बटा चार्ज क्यू। सवाल ये पढ़े हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड द एनर्जी, इसलिए दोनों का यूनिट सेम होता है। तो ये W का भी यूनिट क्या होगा, जूल,
और ये क्यू का तो सी पर भी क्यू, तो आप कह सकते हो वी इजकल टू जूल पर सेक ये चार्ज। अब लोग कहता है कि अब भी क्या हो गया तुम्हारा, वोल्ट जो हो गया दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी एसआई यूनिट को अगर डिफाइन करना है तो हमने क्या बोला, सबका इकाई मान लो ये वन वन वन। अब मान लो कोई कंडक्टर है, ये देख लो, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कहता है कि कितना वोल्ट, तो क्या कहता है देख लो, अगर उस कंडक्टर से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और उस फ्लो में वर्क डन 1 अगर जूल होता है तो उस कंडक्टर वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट। तो आप ऐसे डिफाइन करो, 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 जूल। जैसे इसको डिफाइन करना है यही दिखाए, देखो ये W by Q तो V J by C, देख लो SI यूनिट इज वोल्ट, और इसको जो मेजर किया जाता है माने कि इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो डिवाइसेस जो होता है उसको वोल्टा मीटर, और यहीं पे याद रखना वोल्टा मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल, ठीक है। देख लो ये डिफाइन 1 वोल्ट का, ये याद रखना है, अगर लिटरेचर नहीं आता है तो ये भी लिख के निकल सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देख लो क्या दिया है इसमें, भी दे दिया है और क्या दिया है देख लो, वर्क डन ये क्यू दे दिया है 2C, तो आपको W निकालना है, निकाल लोगे, फार्मूला यही बैठेगा भी इजकल टू W/Q, ये आपको निकालना है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये W=VQ, देख लो क्या हो जाएगा, भी कितना दिए हुआ है 12, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 24 जूल वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा, कर लोगे, क्या हुआ बोलो, कुछ हुआ क्या, अच्छा स्क्रीन शॉट हो गया, अरे बेटा आगे ये देखो सर्किट डायग्राम आपको पढ़ना है। सर्किट डायग्राम का क्या मतलब होता है कि उस सर्किट में जो भी डिवाइसेस यूज होता है तो उसका एक डायग्राम होता है, आपके NCERT में दिया हुआ है, जिसे स्विच होता है तो सर्किट को क्या करता है, ओपन या क्लोज करता है। जैसे क्लोज का मतलब क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया यानी करंट फ्लो शुरू हो गई, जैसे स्विच को ऑफ कर देते हो सर्किट टूट गया, करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरीके उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका भी सिंबल होता है, तो आपके बुक में NCERT में दिया, इसलिए हम यहाँ नहीं दिए। सोझे आ जाओ ओम्स लॉ पे, देख लो हमने ओम्स लॉ के बारे में शुरू में बताया था, ये ओम्स लॉ क्या रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये ओम्स लॉ बताता है। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस भी across the end of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flow through it provided its temperature remain the same। मानी simple way में ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि भी जो होता है वो directly proportional to the I होता है, कब other physical condition remain constant या same, सिंपल वे में। तो ये देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप पढ़े हो कि कोई भी प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए कांस्टेंट लाया जाता है, तो देख लो क्या होगा, ये भी आई इजकल टू कांस्टेंट देख लो, और ये कांस्टेंट कुछ नहीं होता, ये क्या होता है आर होता है, जिसको क्या बोलते हो रेजिस्टेंस। अब देखो ये ओम्स लॉ के अनुसार अगर चलोगे तो भी और आई में रिलेशन क्या है कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अगर भी घटेगा तो आई भी घटेगा, लेकिन उसमें एक थर्ड तुम्हारा वेरिएबल क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अब यहां पर ये आता है कि सपोज करो अगर भी कांस्टेंट है तो आई को भी कांस्टेंट होना चाहिए,
लेकिन सर्किट में क्या देख रहे हैं कि नहीं आई वेरी कर रहा है, या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, जबकि भी कांस्टेंट है ओम्स लॉ के अनुसार, तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये अपोजिंग फोर्स होता है, किसकी अपोजिट, इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है तो उस चार्जेस को क्या करता है, ये अपोज करता है, ना जाने देने तुमको। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा यानी अपोजिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो एनर्जी उसको मोशन में लगाना चाहिए, वो एनर्जी कहाँ खर्च करेगा, उस अपोजिंग फोर्स को हटाने में, जिसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका कम हो जाएगा। तो यही रेजिस्टेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि ये R इजकल टू वी आई, फिर यहाँ रिलेशन निकाल दो, वी इजकल टू क्या हो जाएगा आर आई, या आई इजकल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर। देखो अब इससे पर रिलेशन देख लो, अगर वी कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ के अनुसार ये कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर से है। अगर उस सर्किट में आर को बढ़ाओगे तो आई कम होगा, अगर उस सर्किट में आर को घटाते हो तो आई बढ़ेगा। इसीलिए देखोगे जब भी जाते हो हर घर में देखोगे वो पावर जो है कम बेसी नजर आता है, जबकि हर घर में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो कम बेसी वो डिपेंड करता है उस घर के रेजिस्टेंस पे। तो यही चीज यहां पर ये दिए हुआ देख लो, ये आर जो है, देखो रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज। अब यहां पर एक आता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, थोड़ा सा सिर्फ मैंने समझ लो इसको। अब देखो मान लो ये कंडक्टर है और ये एटम का बना हुआ है, देखो और इसी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये फ्री है, देखो ये ई है, ध्यान से देखो क्या होता है। अब देखो जब ये ओपन रहता है कंडक्टर तो कहते हो कि नेट जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें जीरो होता है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है लेकिन रेंडम होता है, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, जिसके चलते नेट रिजल्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब जैसे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ध्यान से देखो एकाएक जो उस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है जो रेंडम मूव कर रहा था वो एक डायरेक्शन में होता है। अब उसके चलते क्या होता है कि सबसे पहले जैसे क्या होता है, जैसे घर में आपके फादर आते हैं, जैसे मान लो आपके घर में चार बच्चा है, फादर नहीं है, सब फ्रीडम है, कोई उधर खेल रहा है कोई उधर खेल रहा है कोई उधर खेल रहा है, जैसे फादर घर पे घुसते हैं सब बच्चा भागता है। अब बच्चा जब भागता है तो देखोगे कभी बच्चों बच्चों के बीच में कोलिजन होता है, बच्चा क्या होता है दीवार से टकराता है। यहाँ भी सेम चीज होता है, पहला क्या होगा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, फिर दे कोलाइड विद द एटम, और यही कोलिजन क्या करता है रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो हायर द कोलिजन हायर द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये एनर्जी जो रेडिएट होता है तो वो एनर्जी तो इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहिए, वो एनर्जी कहाँ यूज हो जाता है, उस रेजिस्टेंस को हटाने में भाई, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको कम हो जाता है। तो यही है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर रिलेशन सब हम निकाले हुए हैं, अपना तुम भी करके देख लेना। अब देखो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, देखो ये ओम है आपका। फिर देखो अब ओम को अगर डिफाइन करना हो, एसआई यूनिट है तो फिर देखो ये अभी निकाले हो आर इजकल टू वी बाई आई, तो देखो ये ओम हो गया, भी वोल्ट हो गया, आई एम्पियर, देख लो ये देखो। तो वन ओम ऑफ द रेजिस्टेंस इज सेट टू बी व्हेन वन एम्पियर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वन वोल्ट। अगर उस कंडक्टर में देख लो वन एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है,
तब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 होगा। कर लोगे? आगे बढ़े। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है, तो एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जनरली सिंबल देखोगे ये ऐसे होता है, फिर यहीं पर देखोगे ऐसे किया रहता है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो उसी डिवाइस को क्या कहा जाता है, रियोस्टेट यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब देखो यहां पर एक नोट दिया है, देख लो यू हैव द फॉर्मूला लाइक, देखो अब अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े हो क्या क्या पढ़े हो देख लो, ये देखो अभी पढ़े हो इलेक्ट्रिक करंट क्यू बाई टी और क्यू इजिकल टू आई टी, पोटेंशियल डिफरेंस से निकाले हो डब्ल्यू वाई की, फिर डब्ल्यू को करोगे तो क्यू भी। अब यहां पर देखो ये भी आ गया, अब ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला ले आओ, तो देख लो ये अभी पढ़े हो ना आर इजिकल टू ये देखो Q, अब यहां निकाले हो देखो Q, तो Q इजकल टू आई टी, तो देखो और ये देखो W इक्वल टू आई टी भी देख लो अभी तक। अब इस फॉर्मूला में ओम्स लॉ निकालोगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पुट करके देखो तो कैगो फॉर्मूला निकलता है, और ये W इज नथिंग वर्क डन है आपका, वर्क डन क्या हुआ एनर्जी, और यही एनर्जी क्या होगा हीट के रूप में निकलेगा, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है देख लो। अब देखो यहाँ पर निकाला है पुट दिस इन डब्ल्यू आई टी, देखो इट हेल्प इन निकोरियर, ये कहता है ये I इजकल टू वी वाई आर है जो है, या वी इजकल टू आई आर को उस फॉर्मूला में पुट करके देखो जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, और इतना जितना भी लोग फार्मूला पढ़े हो इतने ही फार्मूला से पूरे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल बनेगा प्यारे लक्ष्मीकांत, कोई भी नहीं देखो ना भैया यहां ये कैसे निकाले देख लिए, ये W इजकल टू आई टी भी, अब ओम्स लॉ पढ़े हो तो ओम्स लॉ में पढ़े हो ये भी इजकल टू आई आर, अब इस भी का मान यहां पुट करो तो देखो तो क्या आ जाता है आई स्क्वायर आर टी, फिर अगर नहीं आई का मान रखो तो आई इजकल टू हो जाएगा वी बाई आर, तो देखो तो अब इसमें आई का मान रखो तो ये वी स्क्वायर बाई आर, ये देखो ये टी आ जाता है, देखो ध्यान से, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, अब आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हमने बताया ना कि एक ही ट्रांसफार्मर से 20 घर जुड़ा रहता है, तो वोल्टेज तो एक ही रहता है लेकिन हर घर में जाओगे तो देखोगे पंखा का स्पीड अलग अलग होता है, या उस ट्रांसफार्मर से जितना दूर होते जाओगे तो देखोगे उसके घर के पंखा का स्पीड कम होते चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है दे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फैक्टर। पहला देखो क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल खूब आता है, ये आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, अगर जितना ज्यादा लेंथ होगा आर क्या होगा उतना ज्यादा होगा, और आर उतना ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होगा। दूसरा देखो ये आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इसको आप थिकनेस भी कह सकते हो, मान लो सपोज करो ये वायर है तो जनरली वायर का देखोगे थिकनेस यूनिफॉर्म होता है, तो ये जो थिकनेस जो देख रहे हो इसी को क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है, या थिकनेस भी कह सकते हो, या सिंपल वे में एरिया भी कह सकते हो। दूसरा देखो ये आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ध्यान से देखो, और दूसरा ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल भी होता है, वो रजिस्टर जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, इसीलिए देखोगे गर्मी में क्या होता है लोड शेडिंग ज्यादा होता है, जाड़ा में देखोगे लोड शेडिंग नहीं होता, जाड़ा में पंखा का स्पीड भी ज्यादा रहता है जबकि जरूरत नहीं है,
जरूरत कब है, गर्मी में, तो स्पीड कम रहता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए देखोगे क्या होता है, जो कोल्ड कंट्री है वहां क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, क्योंकि वहां लॉस कम होता है, होता ही भी नहीं है। अगर माइनस डिग्री हो जाएगा तो लॉस होवे नहीं करेगा। माने ईच एंड एवरी कंडक्टर बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। लेकिन प्लेन एरिया में चले जाओ जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होता है। एक अनुमान है कि सपोज करो अगर आपके शहर में 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है आपके घर में, तो गवर्नमेंट को जो है 10 मेगावाट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 मेगावाट पड़ेगा। देख लो, तो गवर्नमेंट तो पहली 5 मेगावाट लॉस कर रहा है, उसके बाद भी आप पैसा नहीं देते हो। और ये जो लॉस होता है ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर मेनली तुमको इस 2 फॉर्मूला को देखना है। देख लो, ये R प्रोपोर्शनल टू L और R ये होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को मिलाओ तो क्या आ जाएगा, देखो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, तो यहां पर जो कॉन्स्टेंट आता है ये R इक्वल टू रो L बाई A, इसको रो पढ़ा जाता है। और इस रो को कहा जाता है रजिस्टिविटी या स्पेशल रजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। हर मटेरियल का रजिस्टिविटी या स्पेशल रजिस्टेंस अलग अलग होता है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर सपोज आप देखो इस कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो क्या करोगे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये रो एल इजकल टू आर ए, तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो आर ए बाई एल। हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी कांस्टेंट या यूनिट को डिफाइन करना है सबको क्या कर लो, एक यूनिट मान लो। तो देख लो, 1 मान लो, सपोज करो कोई वायर है, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, एरिया उसका सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ उसका 1 मीटर है। तो देखो 1 मीटर कम हो जाएगा, तब उस वायर का जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 ओम मीटर स्क्वायर। इसलिए रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। समझ में आया? तो कैसे डिफाइन करोगे रेजिस्टिविटी का, क्या कहता है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कॉल्ड स्पेशल रेजिस्टिविटी। तो ये कांस्टेंट होता है, ये अगर 1 मीटर है, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टिविटी हो गया। लेकिन अब ये इसका लेंथ अगर बढ़ाते जाओगे तो ये अगला हो गया, मान लो ये 1 मीटर था, अब ये बढ़ाओगे मान लो ये अब लेके 2 मीटर, तो देखो अब ये हो गया 2 ओम, तो ये 2 ओम हुआ उसका रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, उसका क्या होगा, 1 ओम होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो यूनिट है, वो यूनिट का होता है, वो कांस्टेंट होता है। देख लो यही चीज हम दिए हैं, देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर देखो एरिया, फिर देखो ये दोनों मिलाए ये आ गया, रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है, बोलो। ये देखो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो ओम मीटर, ये देखो इट इज डिफाइंड व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देखो अब यहां पे देखो क्या कहता है,
कोई भी वायर जो होता है तो व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड द एरिया। तो अगर कहता है कि लेंथ सपोज करो ये 1 मीटर है, इसको घींच के 1 मीटर और बढ़ा दिया यानी टोटल लेंथ इसका 2 मीटर हो गया। तो पहले जब ये 1 मीटर था तो हो सकता था इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, अब जो घींच दिए तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में देखो क्या करता है, इफ लेंथ बिकम डबल और ट्रिपल देन एरिया बिकम 1/2 और 1/3। और ठीक इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ फिर क्या होगा, घटने लगेगा। अब मान लो ये वायर है 2 मीटर है इसका लेंथ, मान लो इसका एरिया कुछ है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, और इसी को डबल ऑन इट कर दिए, मोड़ दिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, लेंथ हो गया 1/2, लेकिन ये क्या हो गया 2 मीटर हो जाएगा ना, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, न्यूमेरिकल बनाने में आवेगा। अब देखो एक एग्जांपल दिया, देखो 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बोलो बना लोगे, कोई वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा आर जो है ये है 4 ओम है, ठीक है, मान लो लेंथ इसका 1L है मान लो। अब इसी वायर को क्या किया, इसी पे डबल्ड कर दिया, मान लो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, अब इसी पे कर दिया तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा ना, और एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तब कहता है कि उस न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल लोगे, आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ है, कर लेना। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट। अब जो कोई भी सर्किट जो बनता है तुम्हारा, जिसे अभी घर ही में देखते हो, बल्ब है, टीवी है, और भी जो डिवाइस आधा यूज होते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, तो उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है इन सीरीज और एक होता है इन पैरेलल। थोड़ा यहाँ न्यूमेरिकल आता है जो समझना, देखो क्या करता है, देखो सीरीज में क्या कहता है कि व्हेन 2 or more रेजिस्टर्स कंबाइंड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो सेम बट पोटेंशियल डिफरेंसेस इज डिफर इन ईच रजिस्टर। अब देखो यहां पर दिखाया है, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये देखो ये 1 रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 है, ये देखो ये I फ्लो कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देख लो ये इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, सीरीज में देखो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है पाथ एक ही है, देख लो उसी एक पाथ में क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिपेंड, माने वो तो प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। अभी आप पढ़े हो क्या, पढ़े हो अभी ये I = V/R, तो ये V = IR। आप देख लो क्या रिलेशन है, अगर I कांस्टेंट कर देते हो तो ये V डायरेक्टली पॉपुलर, देख लो तो वो तो R पे डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो V की भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। जिसे इसको ऐसे समझो, सपोज करो ये नाला है, ध्यान से देखो, मान लो ये आगे जाके थोड़ा चौड़ा हो गया, फिर आगे जाके और पतला हो गया, ये देखो
यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। अब हमको ये बताओ, सपोज करो यहाँ पर ये एक है, ये दो है, ये तीन है, पानी कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा कि तीनों में सेम रहेगा? जल्दी बोलो। अच्छा, बस तीनों में सेम रहेगा बेटा, क्योंकि एंट्री से जो वाटर यहां इन करेगा वही ना यहां आवेगा, वही यहां आवेगा। फर्क क्या होगा? यहां पर प्रेशर कम होगा क्योंकि डायमीटर ज्यादा है, फिर यहां पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर इज नथिंग, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। आप जो बगीचा में कभी कभी पानी पटाते हो पाइप से, तो पाइप को मुंह बंद कर दो ऐसे, तो पानी दूर फेंकता है, तो क्या समझ रहे हो? अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होता है, अमाउंट ऑफ वाटर सेम रहता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर मतलब यहां पर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर सीरीज में कह सकते हो कि पाथ क्या होगा? एक ही होगा और उसमें डिफरेंट डिवाइसेस होगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? आई जो होगा वो सब में सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो ये नाला अगर बंद कर दो ये पोर्शन, तब पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका सब, अगर मान लो किसी कारण बस ये ब्लॉक हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सब क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। ये डिसएडवांटेज होता है सीरीज में। दूसरा, सीरीज में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक ही पाथ होता है और उसी एक पाथ में डिफरेंट अप्लायंसेस को आप फिट करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है, और हर डिवाइसेस का सपोज करो पावर अलग अलग होगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। तो अब देख लो यहाँ पर क्या होता है, टोटल अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा निकलेगा। हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, या टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में सीरीज में होगा सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर निकाला है, देखो ये वी इजकल टू वी वन वी टू वी थ्री। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आ जाओ, ये वी इजकल टू आई आर। अब इसका मान पुट करो यहाँ पर, तो देखो ये वी आई आर ई हो गया, ये आर ई का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज। अब देखो वी वन में क्या हो गया? आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। अब आई आई कॉमन है तो इसको काट दो ना सिंपल वे में, एक्यूरेट में। देखो इसको यहाँ पर कॉमन ले लिया, देख लो तो लास्ट में क्या आवेगा? ये आर इजकल टू क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। तो देख लो सम टोटल, तो यही कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सीरीज में यही देखना, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इंडिविजुअल, जैसे मान लो इसका दो है, तीन है, चार है, तो आपका आंसर चार से अधिक आना चाहिए, तो इसका मतलब आप सही किए हो। अब देखो यहाँ पर एक हम जी आई एफ लगाए, देख लो ये सीरीज है, देख लो, देखो ना यहाँ पर एक ही पाथ है फ्लो का। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा, तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखो, एक को जैसे निकालते हो तो देखो दोनों बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि भैया पाथ तो एक ही है ना, तो जैसे एक निकाले तो यहां पर क्या हो गया? सर्किट को कट कर दिया ना, ये ओपन हो गया, तो दोनों बल्ब तुम्हारा बुझ जाता है। ठीक है, थोड़ा पैरेलल पहले ये समझ लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करता है कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स कंबाइन इन सच वे वाज द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफर इन ईच रजिस्टर। अब यहां पर क्या होगा? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफर था, इलेक्ट्रिक करंट सेम था, यहां क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इलेक्ट्रिक करंट डिफर कर जाएगा। कैसे? देख लो, सपोज करो ये एक ड्रेनेज है,
ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है। अब देखो ये जो वाटर यहां से जो घुसा, तो वही वाटर आगे जाके दो भाग में बटेगा। अब हर ड्रेनेज में कितना जाएगा, दे डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर। मेरी बात समझ रहे हो, डायमीटर पर जाएगा ना, अब फिर यहां आके सेम हो जाएगा। तो यहां जब वाटर डिफर, तो वाटर हम क्या बोले, मान लो ये इलेक्ट्रिक करंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां ना होगा और यहां, इसी दो पॉइंट पर ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये दोनों में सेम होगा, प्रेशर तो यहां ना क्रिएट हो रहा है, लेकिन व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर इन इन ईच पाइप, दे डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, ये देखो ये पैरेलल है आपका। अब इसमें देखो, एक बल्ब को अगर हटा भी देते हो तो ये दोनों बल्ब चलता रहता है। दूसरा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हर रजिस्टर में अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंट डिवाइसेस भी आप यूज कर सकते हो, और अगर एक अगर खराब होता है तो बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, एडवांटेज होता है। जनरली देखोगे ये सीरीज यूज हो जाता है डेकोरेटिव, जो शादी विवाह में यूज किया जाता है। एक बल्ब बीच में से खींच लो, देखोगे सब बल्ब बंद हो जाएगा, और उसमें क्या होता है कि सबका देखोगे लाइट एकदम एक समान होता है, पैरेलल में ही आता है। तो अब देखो यहां पर, यहां पर हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नहीं, ग्रेटर नहीं होगा बेटा, लेस देन होगा। ये गलत लिख दिया है, क्या होगा, लेस देन इंडिविजुअल। अगर कोई सर्किट है, सपोज करो एक ये है, मान लो इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम है, तो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालोगे इस सर्किट का, तो 1 से कम होना चाहिए, ये याद रखना। ये ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा। अब देख लो यहां पर यही निकाले हैं, सीरीज में क्या था तुम्हारा, आई कांस्टेंट था, भी वेरी कर रहा था, यहां क्या है, भी कांस्टेंट है, आई वेरी कर रहा है पैरेलल में। तो देख लो ये आई इज इक्वल टू आई वन आई टू आई थ्री, यानी तीन हम लिए हुए हैं, जैसे यहां देख लो ना आई वन आई टू है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लो, देखो आई इज इक्वल टू होता है भी बाई आर। अब इसका पुट करो इसमें, तो इस आई को करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, भी बाई आर। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इज इक्वल टू देख लो, ये भी बाई आर वन प्लस भी बाई आर टू प्लस भी बाई आर थ्री, कैसे हो जाता है। अभी भी कॉमन है, कट जाएगा सब ना, देखो ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1/RP = 1/R1, 1/R2, 1/R3 और सो 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा पैरेलल में। हमेशा पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी कम होगा। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। देख लो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देख लो यहां से ये आई गया, अब देखो यहीं से ये आई बटेगा, आई वन आई टू आई थ्री हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो यही ना है बेटा। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, सेम होगा सब में। अब आ जाओ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। उस सर्किट में कुछ सीरीज भी रहेगा, कुछ क्या बोलते हो पैरेलल भी रहेगा। तो आपको तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना, जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या है, ये देखो ये आई टू ए हो रहा है, देख लो यहां से ये 2 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है। अब या इस रेजिस्टेंस में तो देखो ना क्या दे रहा है, 2A दे रहा है, लेकिन इसमें देखो इसमें 1A हो जाता है, इसमें देखो 2 गो है, तो
0.5 हो जाता है, यहाँ देखो 0.5 हो जाता है। ऐसा क्यों? सीरीज में तो पढ़े हो सेम। एक्चुअली क्या है तुम्हारा, ये और ये क्या है, पैरेलल है। हाँ, इसमें ये दोनों सीरीज है। तो अब अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर है और आपसे पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देख लो। सबसे पहले तो इस दोनों को जोड़ दोगे। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका 1 ओम है, तो जोड़ दोगे तो ये एक रेजिस्टर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 ओम। मान लो ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। अब इसका पैरेलल निकाल लो, तो पैरेलल निकालोगे तो यही 1/R1 + 1/R2 + R3 करके निकाल लो, ये R। अब ये जो R निकलेगा तो अब ये एक हो जाएगा, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। देन इक्विवेलेंट से दोनों को जोड़ दो, वही हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। और उसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सर्किट के आधार पे आप इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हो। फार्मूला वही ओम्स लॉ है। ये देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने आपको शुरू में बताया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो तीन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक हीट प्रोड्यूस करता है, दूसरा मैग्नेट, और तीसरा केमिकल, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। क्या कहता है, देखो कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और हीट क्या है, तुम्हारा एक टाइप ऑफ एनर्जी। एक फार्मूला आप शुरू में डिराइव किए थे, W इज इक्वल टू क्या था, VIT, याद करो, आया था। तो यही ना, W जो वर्क डन है यही कन्वर्ट हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT, देख लो वही। यहां पर देखो, अब यहां पर आता है कि हाउ हीट इज प्रोड्यूस। देखो, अब देखो क्या कहता है, कोई भी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाइड करते हो, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। अब वो जब मूव करता है तो क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द अनदर, फिर अगेन दे कोलाइड विद द एटम। देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट एक्सपीरियंसेस रेजिस्टेंस टू ओवरकम सम वर्क इज डन, दिस वर्क डन कन्वर्टेड इन टू द हीट। अब कितना हीट होगा, देखो यही कैलकुलेट किया है, टू कैलकुलेट द वर्क डन। देखो यू नो, देखो फिर लिया गया वहां इलेक्ट्रिक करेंट क्यू, आई इज का क्यू, देखो ये, फिर देखो यही वर्क डन आया, देखो W इज इक्वल टू वी क्यू। अब देखो इसी में ओम्स लॉ लगा दिए, कैसे लगाया देखो ना, वी, अभी पढ़े हो ना, ये वी इज इक्वल टू आई आर, यही ना ओम्स लॉ है, हैं, सॉरी उल्टा कर दिए, ये आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। अब यहां देखो क्या है, अब देखो ये जो Q है तो ये Q देखो IT है, तो अब क्या करो, ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT। अब यहां पर ओम्स लॉ को पुट अप करो, तो वही देख लो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो आई इज इक्वल टू वी वाई आर और वी इज इक्वल टू आई आर। अब अगर ये फार्मूला पुट करते हो उसमें, तो देखो W इज इक्वल टू I² RT आ जाता है, इसी को जूल्स लॉ कहा जाता है, या फिर उसको चेंज करो, देखो I² RT आ जाता है। तो इस फार्मूला, इसी फार्मूला से तुमको न्यूमेरिकल बनाना है। ये समझ रहे हो कि नहीं, यही मेन चीज समझना है बेटा, ये हम शुरू में तुमको बताए थे। अब देखो ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब हीटर आयरन फ्यूज वायर, तो थोड़ा सा NCERT किताब में पढ़ लेना, जिसे वो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट का क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि वो बल्ब क्या होता है,
पहले वो टंगस्टन हीट होता है और इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो ग्लो करना शुरू कर देता है, दे रेडिएट द लाइट, ग्लो करना शुरू कर देता है। तो वो टंगस्टन का क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, उतना एनर्जी खर्च होगा, वही एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हीट में। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पावर, सवादी पावर समझ रहे हो, देखो क्या होता है, ये वर्क एनर्जी एंड पावर, इस दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का यूनिट सेम है। पावर का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई वर्क है, सपोज करो ये ए है ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ बी पे लाना है और इसको एक जूल एनर्जी खर्च होता है इस ए ऑब्जेक्ट को बी पे लाने में, सपोज करो। अब कोई भी आदमी जब तक एक जूल नहीं खर्च करेगा ये यहाँ से यहाँ नहीं आवेगा। अब सपोज करो कोई आदमी एक सेकेंड में इस ए को बी तक ला देता है, उसी चीज को दूसरा आदमी दो सेकेंड लगता है, तो कह सकते हो कि ये एक सेकेंड वाला का पावर ज्यादा है, दो सेकेंड वाला का पावर कम है। काम दोनों किया, दोनों का एनर्जी सेम खर्च होगा, पावर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बहुत आदमी का ये होता है कि कोई वर्क दिया जाता है, अरे यार करेंगे ना धीरे धीरे, नो दो घंटा में करो तब, एक घंटा में करो कब, कब एनर्जी उतनी ही खर्च होगा, तो हम क्यों नहीं उसको पहली खत्म कर दे। तो ये सब जो होता है थिंकिंग, जो काम करना नहीं चाहता वही थे यार धीरे धीरे करेंगे, नहीं भैया बात एक ही है। तो देख लो क्या कहता है, रेट एट व्हिच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। तो ये देख लो, ये पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अब इस W को वर्क डन भी बोलो, एनर्जी भी बोलो, जो बोलो। और अभी आप फार्मूला निकाले थे कि ये W इज इक्वल टू वी आई टी, तो अब एक चीज कर सकते हो, ये P इज इक्वल टू वी आई टी बाई टी, तो देखो टी टी कट गया, तो ये पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई हो गया। देख लो यहाँ वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये देख लो यूनिट ऑफ पावर जो होता है ये वाट होता है, वन वाट का मतलब क्या होता है, अभी देख लो इसको निकालो ना, अभी परे हो, ये पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू वर्क तो जूल हो गया अब बाई टी सेकेंड, ये वाट है देख लो, तो इसको डिफाइन करो, देख लो वन वाट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे कंज्यूम वन जूल एनर्जी इन वन सेकेंड, तो उसका पावर क्या हो गया, वन वाट हो गया। अगर कहते हो ना कि बल्ब जो है 100 वाट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट बल्ब कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी इन वन सेकेंड, समझ रहे हो मेरी बात। बाथरूम में लैट्रिन में आप बल्ब लगाते हो ज्यादा पावर का, तो काफी है 5 वाट का है सर, अरे भैया तो ठीक है 5 वाट का है, तो वो बल्ब जो है अगर तुम लैट्रिन में आधा घंटा बैठते हो तो जरा जोड़ो तो कितना एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा, बिजली का बिल कितना बढ़ेगा, 5 जूल ऑफ एनर्जी दे कंज्यूम 1 सेकेंड। अब आधा घंटा को 30 मिनट को पहले सेकेंड में लाओ ना, अब उसके बाद कैलकुलेट करके देखो कितना एनर्जी कंज्यूम किया। अरे दे 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 दे। लाइन कट गया था बेटा, कोई बात नहीं, सवादी जुटो जल्दी जल्दी, डिस्टर्ब हुए थोड़ी देर ना, कोई बात नहीं। देखो कहाँ थे हम लोग, देखो ये इलेक्ट्रिक पावर तुम लोगों को बता रहे थे, ये यूनिट ऑफ पावर हम डिफाइन कर दिए, वाट होता है तुम्हारा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, समझ में आ गया। अब देखो 1 वाट इज सेड टू बी व्हेन डिवाइसेस कंज्यूम 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, ये अगर दिमाग में रखोगे, कहीं भी अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उस पर जो पावर लिखा रहता है, जैसे मान लो ये 1000 वाट, इस W को हटा के यहाँ पर जूल पर सेकंड लगा दो, तब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का समझ में आवेगा कि कितना ये एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब समझ रहे हो, दैट अप्लायंसेस कंज्यूम 1000 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड,
तो आप क्या करना, बाथरूम में ज्यादा देर नहीं रहना, बल्ब नहीं जलाना। 5 वाट का भी बल्ब अगर है तो जोड़ लो ना, 1 सेकेंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। थोड़ा सा उससे अगर कॉमर्शियल यूनिट में आ जाओगे इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो ये किलो वाट आवर होता है, और यही किलो वाट आवर इज इक्वल टू हो जाता है यूनिट। अगर सपोज करो 1 किलो वाट आवर है तो ये मतलब हो गया 1 यूनिट। जो आपका बिजली का बिल आता है वो यूनिट के नाम पर आता है। अगर आपके एक मंथ में सपोज करो 10 यूनिट है, तो ये 10 यूनिट को पढ़ो 10 किलो वाट आवर। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप 1 मंथ में कितना एनर्जी आप कंज्यूम किए हो। तो देख लो ये 1 किलो वाट, मतलब इसको तोड़ो ना अपने से। ये कभी कभी रिलेशन भी पूछ देता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलो वाट आवर एंड जूल। तो देख लो ये 1 के वाट आवर, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 के का मतलब 1000, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, आवर को देखो मिनट में तोड़ो, मिनट को सेकेंड में, तो देखो 60 60 ये सेकेंड, यानी ऐसे अगर जोड़ोगे तो देखो 1000 जूल पर सेकेंड इनटू ये देखो ये 3600 सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। तो देख लो ये 3 और 2 5, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 6 × 10⁵ जूल हो गया 1 किलो वाट आवर का मतलब। तब 10 में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना एनर्जी आप कंज्यूम किए हो। आपके एनसीईआरटी में क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है, तो एक यहाँ पर बढ़ गया है आपका, तो 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। यही देख लो यहाँ पर तोड़े हैं, आई देख लो ये आया है। अब देखो एक सवाल दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड देखो 400 वाट, मतलब समझ लो यही पर देखो 400 वाट का है, इसका मतलब क्या है, वो रेफ्रिजरेटर जो है 1 सेकेंड में 400 जूल एनर्जी कंज्यूम किया। अब देखो कहता ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट, मान लो पर किलोवाट का ये खर्च है 3 रुपया या पर यूनिट, तो टोटल कल पे, तो पहले क्या करना है पर डे का निकाल लो, बहुत सिंपल है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो पर डे का ये 400 वाट × 8 आवर, तो देखो क्या हो जाएगा 8 × 32 यानी हो जाएगा 3200 वाट आवर, इसको 1000 से भागा दे दो तो देखो ये कट जाएगा, तो ये पॉइंट देखो क्या हो जाएगा 3.2 किलो वाट आवर। अब इसको क्या करो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल किलो वाट आवर आ जाएगा। अब वही हो गया यूनिट, अब उसमें 3 रुपया गुना कर दो वो टोटल कॉस्ट हो गया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बेटा आता है। तो हमेशा देख लो आपका जो अप्लायंसेस है वो वाट में रहता है, तो उसको टाइम से गुना कर दो तो वो आवर है, तो वाट आवर हो जाएगा। अब उसको 1000 से भागा दे दो तो वो निकल जाएगा तुम्हारा किलो वाट आवर, और वही किलो वाट आवर क्या हो गया, जितना आवेगा वही यूनिट हो गया, चाहे पर डे करो चाहे वो 30 डे में करो। अब आ जाओ आपका एमसीक्यू पर, बहुत समय ले रहे हैं, देख लो ये कहता है व्हाट इज द बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टामीटर। देखो क्या यूज करते हो वोल्टामीटर से, ये देखो करंट गलत अमीटर होता है, वोल्टेज इन द सर्किट नहीं, जब भी करते हो अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा आंसर सी, सोचे यहां वोल्टेज दे के मत मार देना। आप किसी रजिस्टर में ना नापते हो कि कितना उसमें वोल्टेज है, हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा अलग अलग होगा, तो ये ध्यान देना है। दूसरा देखो क्या कहता है, द
लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेंड बाय यूजिंग 2 ओम 4 ओम 1 ओम और 100 ओम इज। आप देखो यहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस, तो इसको आप कहता है कि सीरीज में करो पारी। आप परे हो, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल से ज्यादा होता है, पैरेलल में क्या होता है, इंडिविजुअल से कम। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल में जोड़ो इसको, तो क्या होगा सबसे टू से कम आएगा। तो देख लो ये, सॉरी सबसे लिस्ट क्या है, वन ओम है, वन ओम देखो लेस देन वन ओम होगा। मेरी बात समझ रहे हो, हमने आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में सपोज करो तीन है, टू है, फोर है, सिक्स है, तो जब कंबाइन निकालोगे तीनों का तो हमेशा सिक्स से ज्यादा होगा। लेकिन पैरेलल में अगर यही चीज है सपोज करो तो क्या होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल दो से कम आएगा, क्योंकि सबसे लेस यही है। इसमें देखो ये एक है, तो लेस देन एक होगा, ये आंसर होगा। अब कहता है टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी इन ए पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द टू पॉइंट इज। क्या क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम होगा, ये देखो वोल्टेज होगा, करंट तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, तो वोल्टेज क्या होगा सेम रहता है। कहां भी ये बात देखो ना, इन पैरेलल है, पर है ना पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, हर रजिस्टर में सेम होगा, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिफर होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या नाम उसका है, ये लॉय होता है, ये टंगस्टन, ये याद रखना, प्योर नहीं है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी डिवाइस used in electric circuit to prevent damage due to the excess current, क्या होगा, फ्यूज जोड़ते हो ना, ये देखो ए होगा इसका आंसर। आया समझ में, इस टाइप का मल्टीपल क्वेश्चन बनेगा आपका। इतने ही था, समझ में आया, बहुत समय लिए, थोड़ा जाके एनसीईआरटी करो, उसका न्यूमेरिकल बनाओ और कोशिश करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर को कंबाइन करके आपको थोड़ा सा कि मैंने एक घंटा में उसको समराइज करके और आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इजी वे में समझ सको इसको। ठीक है, बाय।